वेलकम टू माई चैनल द कुक हाउस। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। उसके लिए लिए हमने ये 2 किलो गाजर। कितने बढ़िया लिए, देखिए कलर का, देखो कितना मस्त रेड कलर के हैं। तो इनका बड़ा टेस्टी सा हलवा बनाने वाले हैं हम। तो इन वैसे तो ये साफ़ है, हल्के फुल्के कहीं है ये, तो हम इनको साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने अपनी गाजर सभी को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो हम कर लेंगे ग्रेट कद्दूकस से। तो उसके लिए मैंने ये अपनी छोटी सी परात इसमें करेंगे हम इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, हमारी गाजर मैंने अच्छे से कद्दूकस कर ली है, घिस गई है हमारी सारी गाजर। अब हम इनको रखेंगे उबालने के लिए। तो फ्रेंड मैंने रख दी अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो ये घी घी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच, बाकी घी हम बाद में डालेंगे। तो जो हमने गाजर को ग्रेट किया था उनको हम रख देंगे बॉइल करने के लिए। अच्छे से उनको गलाएंगे। तो हमको ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए हमारी, जब तक हमको इनके ऐसे ही करना है। देखिए फ्रेंड, हमारी गाजर हल्की से सॉफ्ट हो चुकी है, अपने आप इसने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने गाजर को निचोड़ा नहीं था, मैंने ऐसे ही रख दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो बढ़िया तरीके से मैंने पका लेंगे गाजरों को अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से, और हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम। तो यहाँ लिए मैंने ड्राई फ्रूट, चिरौंजी, बादाम और काजू, थोड़ी सी किशमिश लिए और आधा गोला लिया। इसको हम कद्दूकस से घिस लेंगे या फिर चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके। तो यहाँ हमारा यम्मी सा हलवा पक रहा है। फ्लेम हम कर दिया है मीडियम, तो हम इसे मीडियम में पकाएंगे। कढ़ाई में ही फ्रेंड बहुत यम्मी बनता है, मैं कुकर में नहीं बना रही क्योंकि फ्रेंड बहुत टेस्टी लगता है ये यम्मी सा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं ले रही हूँ 1 बाउल चीनी मिठास के लिए, मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो चीनी डाल के हम पकाएंगे इसको। मैं 1/2 बाउल और इसमें ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड, चीनी डालने के बाद कितने बढ़िया सी हमारी ऐसी ग्रेवी सी हो गई है इसमें। देखिए पानी छोड़ दिया इसने, चीनी डालने के बाद मेल्ट हो गई है ना, इसीलिए। तो हम इसे और पकाएंगे गाजरों को। तो हमने अपने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है। तो फ्रेंड जो हमने चीनी और दूध को ऐड किया था, तो उससे हमारी गाजर बहुत बढ़िया पक गई हैं अच्छे से। और हम डालेंगे इसमें खोया। देखिए फिर बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो हम डाल देंगे इसमें अपना खोया। ये फ्रेंड 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से देख लें अंदर कितना आप डालना चाहते हैं। जब हलवा में तो जितना खोया डालो उतना ही टेस्टी बनता है। तो हम इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो हमने कर लिया है खोए को अच्छे तरीके से मिक्स। तो हम डालेंगे इसमें अपने ड्राई फ्रूट। फ्लेम को कर दिया हमने मीडियम, तो थोड़े थोड़े हम इसमें बचा लेंगे साथ में डेकोरेट करने के लिए। फ्रेंड आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो ऐड करें। इतने बचा लिए हमने, ये बाद में ऐड करेंगे। ये ले रही हूँ मैं इलायची पाउडर 1 चम्मच भरकर। इलायची का इलायची पाउडर फ्रेंड ज़रूर डालें, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अच्छा सा टेस्टी सा। तो हम सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स।
अब डालेंगे हम इसमें घी। ये डालिए हमने 4 से 5 चम्मच। अब कम लगेगा तो मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी। तो देखिए फ्रेंड कितना लग रहा है ना यम्मी सा हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ। तो आप भी इसी तरीके से रेसिपी ट्राई करें हमारी, सच में बहुत टेस्टी बना है। और घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें, क्योंकि खोए में भी थोड़ा घी होता है, उसी हिसाब से डालें। तो सभी चीज़ों को हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, तो सब 2 मिनट करीब और पकाएंगे, बस हमारा हलवा बनकर यम्मी सा रेडी है फ्रेंड। तो हम कर देंगे गैस बंद, बिल्कुल 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो फ्रेंड आप ऐसे ही रेसिपी बनाएं, गर्मा गर्म परोसें, बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। तो हम करते हैं इसको प्लेटिंग। तो हम पर्स लेंगे गर्मा गर्म। तो हम कर देंगे इसको डेकोरेट, गोला घिसा हुआ, ये काजू बादाम। मम्मी हम लगा देंगे बादाम, तो हमारा यम्मी सा हलवा बनकर तैयार है फ्रेंड। आप लोग खाइए, मज़े करिए और बताइए कैसा बना है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें हमारी वीडियो को।